अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मेरा इस वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, हाँ मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लोग घसीट रहे इस मामले में। इस तरह मुझ पर शक डलवाकर आप असली कातिल को नहीं ढूंढ पाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। क्या बकवास आदमी था, एक निशाना ठीक नहीं लग सका, वो तो बच गया। लेकिन सर उसका काम गोली चलाना था, जान निकालना तो नहीं ना। तो वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है और से मुझे धमकियां दे रहा है कि मुझे अंदर करवा देगा, श्वेत पर गोली मैंने चलवाई है, वो ऐसे कह रहा है। देखो श्वेत पे गोली तो चली है, तुमने चलाई है या किसी और ने, इस बात की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे ठीक रहती? यह सिर्फ आपकी मोहब्बत की ताकत है, जो गोली भी मुझे छू के गुजर गई। थाने जाना पड़ेगा उन्हें हमारे साथ। आपको बताया तो सर कि ऑफिसर मैं ही हूँ, सख्त नहीं है वो। कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे। बस वाले अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप बहुत बेहतर हो गए। बिल्कीज भाभी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपको बेवा करने की। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आपके बगैर मैं कैसे रहूंगी, और आपको जो कुछ होना है मुझे हो जाए। ऐसा मत बोलो सवाले, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मजीद कुछ कहना बाकी रह गया? आपको तो ये जानकर बहुत दुख हुआ होगा ना कि शुएब बच गए हैं। तुमने एफआईआर करवाई है मेरे खिलाफ? हाँ, मैंने ही करवाई एफआईआर। तुम मेरे शौहर की जान लेने की कोशिश करो और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँ? शुक्र करो मैंने सिर्फ एफआईआर करवाई है, मेरा बस चलता तो तुम्हारी जान ले लेती। जुबैर ने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, मैंने उसको कुछ नहीं कहा तो तुम्हारे शौहर को क्यों कहोगे भाई? तुमने तो मुझे खुद कहा था ना कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बहन की तलाक करवा दूं, मैंने ऐसा नहीं किया और उसका नतीजा भी मैंने देख लिया है। और मैंने आपकी बात नहीं मानी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, लीजिए देख लिया मैंने अंजाम। देखो लड़की, एक बार दिमाग से सोचो, शायद तुम्हें कोई इस्तेमाल कर रहा है। मुझे कौन इस्तेमाल करेगा? देखो बिल्किस, अपने बचाव के लिए किसी और को इल्जाम मत दो। मैं ये साबित कर दूंगी, लेकिन तुम ये जरूर सोचना कि तुम इस्तेमाल हो रही हो। और एक बात और, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ओ जस्ट शट अप। क्या कह रही थी बिल्किस भाभी? इतना कुछ हो गया और आप अभी तक उन्हें भाभी कह रहे? लाइक तो वो किसी रिश्ते के लिए भी नहीं रही, क्योंकि वो अपना एहतराम खो चुकी हैं। रिश्ते का भरम भरोसे और एतमाद पर कायम होता है, जो वो कब का तोड़ चुकी हैं और अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी हैं। भाभी जैसे मुकद्दस रिश्ते का भरम तक नहीं कायम कर सकी वो, और क्या मिला आपको इतना अरसा उनके साथ रहने के बाद? हाँ मिला है ना, सबक मिला है जिंदगी भर का। चले अच्छा छोड़ें, आप ये सूप खत्म करें, पूरा पीना है आपको। मैं अब नहीं पीऊंगा। नहीं कोई बहाना नहीं चलेगा, ये सारा सूप आपको अभी खत्म करना है, चलें ये लें।
हेलो, अब तुम भी फुरकान बनते जा रहे हो, कॉल पर कॉल कर रहे हो, क्या हो गया? आपने फुरकान को पैसे ना देकर अच्छा नहीं किया सर, वो मेरा ऑफिस आ गया है, मैंने उसको कहा है कि मैं बात करता हूँ। तुम उसे टरखाओ, उसे कहो सौलिया ने तुम्हारे खिलाफ FIR कटवा दी है। मैंने उसे टरखाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आप सोच लें वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तुम फुरकान से कहो मैं 1,00,000 रुपये दे देंगे और इस शहर से दफा हो जाए, और उससे कहना कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। ठीक है। मुझे बहुत पहले ही शक हो गया था कि फुरकान मेरी जिंदगी की कहानी का वो किरदार था जिसे तुम वापस कोई नई कहानी बनाने के लिए मेरी जिंदगी में जबरदस्ती वापस लाए हो। ऐसा कुछ नहीं है। तुम क्या चाहते हो हमसे? क्या मतलब है तुम्हारा? फुरकान मुझे फोन कर रहा है, मुझे फोन करके ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझे पैसे दो। मैंने उसे धमकी दे दी, अगर उसने मुझे फोन किया तो मैं FIR कटवा दूंगा। और उसे तुम्हें भी तो धमकी दी थी कि वो शिव को गोली मार देगा, हो सकता है उसी ने गोली चलाई हो। अगर उसने गोली चलाई थी तो तुमने बिल्किस पे केस क्यों करवाया? कहीं ना कहीं बिल्किस भी इन्वॉल्व है सारे केस में। बात घुमाने की कोशिश मत करो जुबैर, तुम्हारी बात खुल चुकी है, तुम्हारा राज फाश हो चुका है। कौन सा राज छुपा के बैठा हूँ, सब कुछ तुम्हारे सामने तो है। क्या बिल्किस ने तुम्हें कॉल नहीं की थी, धमकी नहीं दी थी कॉल करके? कहीं बिल्किस की बात सच तो नहीं है कि कोई हमें इस्तेमाल कर रहा है और तुम हमें इस्तेमाल कर रहे हो? गलत समझ रही हो तुम। जो सुनने में गलती नहीं हुई है बल्कि तुम्हें समझने में गलती हुई है। मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम जैसा इंसान कभी किसी के साथ मुखलिस हो ही नहीं सकता। असल में तो मैं से टरखा रहा हूँ कि वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा ना आए, और क्या वजह हो सकती है? बस कर दो जुबैर, और कितना बनाओगे? हाँ, मैं तुम्हें बना नहीं रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, देखना वो वापस नहीं आएगा। तो अब तुम फैसला करोगे कि उसे कब मेरी जिंदगी में जहर घोलना है और कब उसे मेरी जिंदगी से दफा करना है? मैं सिर्फ उसे भगाना चाह रहा हूँ ताकि तुम खुश रहो। जब तक तुम जैसा इंसान मेरी जिंदगी में मौजूद है ना, मैं कभी खुश नहीं रह सकती। मेरी गलती थी कि मैं अपने घर में तुम्हें लेकर आई, शुएब को मनाया ताकि तुम मेरे घर में मेरी बहन के साथ रह सको। हमारी जिंदगियों में हमारे बीच कि मुझे नहीं पता था कि मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हूँ। सोनिया, तुम खामखा मुझे कसूरवार समझ रही हो। मैं बेकसूर हूँ। सही कह रहे हो तुम, कसूरवार तो मैं हूँ। अभी तो मैंने अपनी गलती का इकरार किया है। बिल्किस को मैं यूं ही इल्जाम देती रही, अपने शुएब को इस हाल में पहुंचाने वाली भी मैं ही हूँ। लेकिन मैं भूल गई थी कि दुश्मन अपना बेहतरीन वार साथ रहकर ही कर सकता है। कम से कम मुझे मेरी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। तुम जैसा इंसान जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलना जानता हो उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और वैसे भी तुम्हारे जैसे इंसान के पास तो 10 बहाने होते खुद को सही साबित करने के लिए। मैं कहती हूँ क्या मिला तुम्हें ये सब करके फुरकान को मेरी जिंदगी में वापस ला के? मुझसे कह देते मैं तुम्हें वो सब लौटा देती कि मुझसे मेरी खुशियां छीनने की कोशिश तो ना करते। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे इस चेहरे से ना झूठी अच्छाई का नकाब हटा कर रहूंगी बहुत जल्द। सौलिया, मेरी बात सौली सौलिया क्या हुआ सौलिया, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मुझे लग रहा है बिल्किस सही कह रही थी, हमें वाकई कोई इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कौन? कोई तो है जो ये सब करने पर तुला हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्किस ने हमें धमकी दी है, सब कुछ साफ वाज़ेह है। कभी कभी जो नजर आता है ना वो वैसा होता नहीं है। कहना क्या चाहती हो? यही कि हम दुश्मन घर से बाहर ढूंढ रहे थे और हमने आस्तीन में ही सांप पाल रखे हैं। आए जुबैर भाई बैठे,
कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है, पहले से बेहतर है। अच्छी बात, बहुत बहादुर हो तुम, बहुत जल्दी रिकवर किया तुमने। जिसकी सवालिया जैसी बीवी हो, इतनी मोहब्बत और खिदमत करने वाली, वो कभी बीमार रह ही नहीं सकता। हाँ, अगर प्यार सच्चा हो तो। ठीक कहा आपने, लेकिन आज के दौर में लोग सच्चे होते कहाँ हैं? दूसरों पर दिखावे की मोहब्बत जाहिर करते हैं, और ऐसे लोगों से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। ये सौलिया को क्या हुआ? पता नहीं, शायद उसने मेरे जख्मी होने का ज़्यादा असर ले लिया है। हालांकि मैंने उसे कहा भी है कि मैं अब ठीक हूँ, लेकिन बहुत अजीब बातें कर रही थी अभी। क्या कह रही थी? उसे बिल्कीज बेकसूर लग रही है, हालांकि उसने खुद FIR करवाई है उसके खिलाफ। वो पूरी तरह मुलव्वज़ है इस केस में, लेकिन सौलिया ने बिल्कुल ठीक बात की है कि यहाँ पे सिर्फ दिखावे की मोहब्बत होती है। मैं अब तक उसकी बात समझ नहीं पाया हूँ, और आप भी वही बातें कर रहे हैं। समझ जाओगे, बस थोड़ा सा इंतजार करो। ये सब कुछ जुबैर का प्लान था, मुझे पहले ही शक था उस पर। क्या हो गया तुम्हें सौलिया? मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। वहम नहीं है मेरा, मुझे यकीन है उस पर। उसके अलावा कोई गलत हो ही नहीं सकता। जुबैर ने हर मामले में हमारी मदद की, और तुम उसी को कसूरवार ठहरा रही हो। क्योंकि मैं उसका सच जान चुकी हूँ, और बहुत जल्दी तुम्हारी आंखों से ही पट्टी उतर जाएगी। सौलिया, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। समझ जाओगी जब मैं उसके चेहरे से बहुत जल्दी अच्छाई का नकाब हटाऊंगी। तुम ये बताओ, तुम्हारे पास फरकान का नंबर है? मेरे पास कहां से आएगा उसका नंबर? उसने तुम्हें कॉल की थी। मेरे पास सेव नहीं है, मिस हो गया मुझसे। लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए उसका नंबर? क्योंकि अब वही जुबैर की हकीकत बता सकता है। सौलिया, तुम क्यों जुबैर को गलत साबित करने पर तुली हुई हो? जारा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है उसे फोन पर बात करते हुए। 1 लाख की बात कर रहा था और मुझसे 10 लाख रुपए ले चुका है। बस इतनी सी बात पर तुम इतना परेशान हो गई हो? जुबैर मुझे ऑलरेडी ये बात बता चुके हैं, वो मजीद उनसे 1 लाख रुपए मांग रहा है, और तुम खामखा उन पर शक कर रही हो? ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किस पे शक कर रहा है, और कौन सही है कौन गलत। देखो सौलिया, तुम एक बार ठंडे दिल और दिमाग से सोचो, असली मुजरिम कौन है सामने आ जाएगा। असल मुजरिम कौन है मुझे नजर आ चुका है। अब मैं मजीद अपनी आंखों पर पट्टी बांध के नहीं घूम सकती। तुम्हारी आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से तुम्हें जुबैर की सच्चाई नजर नहीं आ रही। जरा सोचो, उसने क्या नहीं किया हमारे लिए। क्या सोचूं, उसने जो कुछ किया मैं भुगत तो रही हूँ। अगर हम इस हाल में है ना, तो वो सिर्फ बिल्कीस की वजह से। बिल्कीस होगी कसूरवार, लेकिन इस सारे मामले की जड़ सिर्फ और सिर्फ जुबैर। अब मैं शुएब को सब कुछ सच सच बता दूंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी उनसे मजीद। बिल्किस की कॉल आई थी सौलिया को, उसे लग रहा है मुजरिम कोई और है, हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं, हम दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा है।
हम दोनों को? हाँ हम दोनों को। पहले बिल्कीस के हाथों ब्लैकमेल होते रहे और अब सौलिया के हाथों बेवकूफ बन रहे। जुबैर भाई, आप जानते हैं आप किसके बारे में बोल रहे हैं। सच कह रहा हूँ, मैं ही बेवकूफ बन गया और बी के खिलाफ FIR कटवा दी बगैर सोचे समझे। अब समझ आ रही है कि हमला किसी और ने करवाया है। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये सच है। कैसा सच? तुम्हें पता है कि तुम्हारा बच्चा क्यों जाया हुआ और सौलिया को किस बात का स्ट्रेस था? किस बात का? तुम तो ये भी नहीं जानते कि 10 लाख की रकम कहाँ गई, किसने ली और क्यों ली। आप उलझा क्यों रहे? बता क्यों नहीं रहे मुझे? हाँ बता दूंगा, थोड़ा इंतजार कर। और हाँ, अपनी आंखें और दिमाग दोनों खोल के रखो। सौलिया से अभी कोई बात नहीं करोगे तुम? आखिर क्यों? वो मुझसे क्या छुपा रही है? मैं सब जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बता दूंगा सब। कब बताएंगे आखिर? कल तक सब्र करो, सबूत समेत सब कुछ बताऊंगा। और हाँ, तुम्हें सौलिया की किसी बात पर यकीन नहीं कर। ये भी हो सकता है कि वो मुझे कसूरवार समझ के मुझ पर हमला करवा दे। लेकिन सौलिया ऐसा क्यों करेगी? बताए ना जुबैर भाई। क्योंकि सौलिया की जिंदगी में तुमसे पहले भी कोई और था और अब वो लौट आया है। आप किसकी बात कर रहे हैं? प्लीज बताए ना मुझे। कहा ना बता दूंगा, बाकी बातें कल। जो कल मुझे पता चलना है वो आज क्यों नहीं जान सकता मैं? क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को होशियार करना नहीं चाहता। हमने उन्हें मौत देनी। और ये तभी मुमकिन है जब तुम अपनी आंखें और दिमाग दोनों खोल के रखो। परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अपना ख्याल रखना। क्या कहा तुमने शुएब से? क्या करोगी जान के? फिर कोई नई साजिश बुन रही होगी ना? मुझे शुएब से हमदर्दी है। तुम्हारी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात जान लो, मैं अब तुम्हारी किसी साजिश का कोई हिस्सा नहीं बनूंगी। ये तो वक्त बताएगा। मुझे फुरकान का नंबर चाहिए। क्यों, याद आ रही है उसकी? उसका नंबर चाहिए। नंबर तो तुम्हें नहीं मिल सकता। और वैसे भी तुम करोगी क्या? तुम्हारे इस चेहरे से ना पर्दा हटाऊंगी, सच सबके सामने लाऊंगी। मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश की है ना, वो अपने जाल में खुद फंस गया। और एक बात याद रखना, अगर इस बार कोई गड़बड़ की ना तो फिर से सड़क पर आ जाओगी। जीत सिर्फ सच की होती है। और सच सुनेगा कौन? और अगर किसी ने सुन भी लिया तो यकीन कौन करेगा? मुझे बस फंसाया जा रहा है।
आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपको फंसा रहा है? मैं चाहती हूँ कि आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करें और असली मुजरिम कौन है उसे पकड़ें, क्योंकि मुझे वो लोग बिला वजह फंसा रहे हैं और इस तरह तो वो असली मुजरिम तो बच जाएगा। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? ऐसा जो साहब, वो कोई और नहीं, मेरा अपना शौहर जुबैर है, जो सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लेने के लिए मुझसे सारी हरकतें कर रहा है। ये सिर्फ मुझे तो उसकी चाल ही लग रही है। लेकिन क्यों, वो आपको क्यों फंसाएंगे? क्योंकि उसने मेरे साथ बेवफाई की थी और मैंने उसकी दूसरी शादी की खबर सुनकर उसको अपने घर से निकाल दिया था और अब वो बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है ताकि मुझे नीचा दिखा सके। ओह, आई सी। आप अपने तौर पर तहकीकात करें, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। बेफिक्र रहें, हम पूरी तहकीकात करेंगे और असल मुजरिम को ही गिरफ्तार करेंगे। थैंक यू वेरी मच एसोसिएट साहब। अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। इस केस के सिलसिले में आपसे जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। शोएब खाना खा लीजिए, खाना लगा दिया है। भूख नहीं है मुझे। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूं। तुमने मोहब्बत की है कभी किसी से? हाँ की है, आपसे। झूठ। मेरे अलावा